प्रणाम सभी दर्शकों, आज थोड़ा सा दूसरी तरफ घूम के हम आपसे चर्चा करते हैं। अभी मैं कल मेल पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संख्या कम है लेकिन है, जो बोलते हैं गुरु जी कमज़ोर हूँ, दुबला पतला हूँ, कैसे कमज़ोरी दूर हो, शरीर थोड़ा सा गठीला होना चाहिए, मसल से भी होनी चाहिए, शरीर सष्टव लगे। देखिए बंधु, मोटापा लाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, कमज़ोरी नहीं आवे, शरीर दुबली है, हल्की है, ठीक है, कमजोरी न आवे, दो तीन चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे लोग जो अभी कल भी मुझसे बात कर रहे थे, तो आप ध्यान रखिए, खजूर, खजूर समझते हैं, बढ़िया खजूर ले लीजिए मार्केट से, 4 से 5 खजूर रोज खाइए। तीन चीज़ मैं बताऊँगा, खजूर खाइए, छुहाड़ा, खजूर छुहाड़ा दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन छुहाड़ा छोड़ दीजिए, वो पेट साफ करने की चीज़ है, आप खजूर ले लीजिए। खजूर ताकत देता है, पौष्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती है। दूसरा नंबर है आपका मखाना, मखाने के अलावा उसको हल्का सा भून करके, बहुत ज़्यादा घी या डाल न करके, उसको चाहे दूध में डाल करके आप उसका सेवन करिए। तीसरा चीज़ है 2 केला, पूरा ताकत मिलेगा। बड़े जल्दी मोटापा लाना है ना, जैसा कल एक बालक पूछ रहा था, गुरु जी मेरा शरीर देखिए, मुझे शर्म आती है कपड़े निकालने में, तो बंधु आप ध्यान दे लो, ठीक है, अभी दुर्बल हो, आपका अवस्था कम है, जैसे अवस्था आएगी आप शरीर भर जाएगी, चिंता मत करिए, लेकिन अभी तत्काल आप लेना चाहते हो अपने शरीर में थोड़ा सा फैट, तो केला दूध का मिक्स करके आप पीजिए, निश्चित आपका शरीर थोड़ा सा भर जाएगा, अच्छा लगेगा। जो लोग कमजोरी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, 3 चीज़ें बताया, ध्यान लीजिए, आप ले लीजिए, खजूर खाइए और वह मखाना का लावा दूध में भून करके जैसे हो उसको खा लीजिए, और केले का सेवन दूध के साथ कर लीजिए, मोटापा आ जाएगा, कैलोरी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, ताकत भी रहेगी, मखाना में बड़ी ताकत होती है जान लीजिए, और खजूर में भी बड़ी ताकत होता है, पेट भी साफ करता है, इंटरनल पावर देता है आपको, उसका आनंद लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, सबको प्रणाम।